अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। ग्रेड 9 मैथ्स वीक 3 का ये फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिस्कस करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, इनवर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। डिटर्मिनेंट ऑफ टू बाय टू मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। ये आपके पास मैट्रिक्स है, बी या टू बाय टू मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, ये आप इसके साथ टू लाइंस लगा देते हैं, वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, तो आप इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये आपका किसके इक्वल होगा? फर्स्ट आप क्या करते हैं, फर्स्ट आप करते हैं इसमें डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगनल एलिमेंट्स आपके पास हैं ए क्रॉस डी, और दरमियान में आप साइन लगाते हैं माइनस, और डायगनल एलिमेंट्स के बाद आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो किसी भी वैल्यू का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना हो, फर्स्ट तो आपने उसको डिनोट करना होता है, ए है, बी है, सी मैट्रिक्स है, उसके साथ जो वर्टिकल लाइंस आप लगाएंगे जो शो करेंगी डिटरमिनेंट को, या सिंपली हम लिख सकते हैं डी टी डिटरमिनेंट, आगे मैट्रिक्स का नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो वो करने के बाद फर्स्ट हम, ये तो ए बी सी डी हमने अपने पास से वैल्यूज अज्यूम की थी, इसकी जगह कोई मैट्रिक्स आ जाए, जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल करने लगा हूं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जो भी हो, आप उसके डायगनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स को दरमियान में माइनस साइन रखें। अब आपके पास एक मैट्रिक्स एम है, सपोज एम मैट्रिक्स आपका इक्वल है 2 6 1 3। अब आपको इसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आप इसके डायगनल एलिमेंट्स जो कि 2 एंड 3 हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 1 और 6 हैं, 2 3 टाइम्स 6 6 1 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जांपल भी हमने लिया है, उसको भी हमने सॉल्व किया है, जस्ट एक ही बात को हम अपने माइंड में रखेंगे कि फर्स्ट डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में साइन जो है वो माइनस का रखेंगे, और इसके बाद जो है अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद अब हम देखेंगे सिंगुलर, एंड नॉन
सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हम देखेंगे। अब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब हो सकता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ मैट्रिक्स का नेम भी साथ अगर हम मेंशन कर लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is called singular if determinant of A is equal to zero। कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लें उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल ये A मैट्रिक्स हम इसके इक्वल ले रहे हैं, बुक पे इसकी एग्जांपल सॉल्व है, इसी को हम ले रहे हैं, तो ये आपके पास होगा 1 2 0 0। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर रहे हैं 1 क्रॉस 0 माइनस 0 क्रॉस 2 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है? सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। और नॉन सिंगुलर क्या होगा? A square matrix A is called non-singular if determinant of A is not equal to zero। अगर आपके पास determinant of A zero के equal नहीं आएगा तो ये आपके पास जो भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं होगा। अगर आपके पास ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तभी ही ये आपका सिंगुलर हो सकता है। जैसे कि ए की अभी जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं इसके इक्वल, ए इज इक्वल्स टू 1 1 0 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास होगा 1 क्रॉस 2 माइनस 0 क्रॉस 1। 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट ए इज नॉन सिंगुलर। और इसमें क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या था आपका? सॉरी, ये सिंगुलर है जिसमें आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 है, और जिसमें 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर को हमने जो है समझा अच्छे से इनके साथ एग्जांपल्स की। कोई भी मैट्रिक्स आपका सिंगुलर कब होगा? जब हम ए का लेंगे डिटरमिनेंट और वो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा, और हम फिर जो है मेंशन कर देंगे ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है। अब कोई भी हम मैट्रिक्स लें उसका डिटरमिनेंट लें, अगर वो जीरो के इक्वल ना आए तो हम मेंशन करेंगे कि ये आपका नॉन सिंगुलर होगा। इसके बाद आ जाए एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। अब सिंपली बुक पे इसकी डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द अदर साइन ऑफ अदर एंट्रीज। सिंपली बात ये है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो आप फर्स्ट लिखेंगे जो भी एडजॉइंट ऑफ जो आगे आपका मैट्रिक्स का नेम है वो राइट कर दें। आप क्या करेंगे, डायगनल एंट्रीज जो कि ए और डी हैं, इनकी आप पोजीशन चेंज करें, ए की जगह डी
और डी की जगह ए, ए को डी, डी को ए से रिप्लेस कर दिया। और अदर एंट्रीज आपकी क्या है, बी और सी, इनके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। सिंपली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि रिप्लेसिंग डायगनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, ये आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगनल एंट्रीज की जगह तब्दील करते हैं और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करते हैं, ये आपने इसमें काम करना होता है जो भी आपको गिवन हो मैट्रिक्स। अब एग्जांपल है इसकी ए, वन टू थ्री जीरो, अब इसका एडजॉइंट ले लें, डायगनल एंट्रीज जीरो और वन है, हमने वन को जीरो, जीरो को वन से रिप्लेस कर दिया, और अदर एंट्रीज थ्री टू हैं तो इनके साइन चेंज कर दिए। सिंपली ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको हम देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपके पास होगा लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच इफ ए बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू आई। और एक ये आपका बॉक्स में है, रेक्टेंगल सी बनी हुई है, ये भी आपने देख लेना। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें उसका इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। तो अगर ए और बी आपके टू मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of same order, A and B are multiplicative inverse, sorry, non-singular matrices of same order, then A and B are said to be मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए को आप बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इक्वल टू बी ए। अब एक बात तो ये हो गई, एक ये है कि आप के पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है आपको, आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए को आप मल्टीप्लाई कर दें इनवर्स ऑफ ए से, या इनवर्स ऑफ ए को आप ए से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल्स टू ये किसके आए, आई के।
इज इक्वल्स टू आई। अब ये तो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा ए, इनवर्स ऑफ ए किसके इक्वल होगा? इनवर्स ऑफ ए आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए तो आपको गिवन होगा, लेकिन ए इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको जो ए गिवन होगा आप उसी का एडजॉइंट ले लेंगे, फिर आप उसी का डिटरमिनेंट ले लेंगे, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या होगा? इनवर्स होगा। फिर आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार लेफ्ट पे रखेंगे ए इनवर्स को और ए मैट्रिक्स को राइट पे, एक बार ए इनवर्स को राइट पे ए को लेफ्ट पे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये आपकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अल्लाह हाफिज़।